बाहर निकले, हमने सोचा आपको थोड़ा बहुत दिखा दे, बट फायदा नहीं है रूम से दिखाने का क्योंकि बंदर है हमारे बालकनी में। अब निकल रहे हैं फाइनली शिमला की तरफ, क्योंकि हम लोग रुके हुए हैं कुफरी में। तो कुफरी शिमला से अराउंड 1.5 घंटे की दूरी पे है, एंड इफ यू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट तो बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। तो शिमला यहाँ से है अराउंड 15 किलोमीटर, हमने गाड़ी बुक करी है, बट पहले जाएंगे थोड़ा पेट पूजा करेंगे एंड आपको शिमला घुमाएंगे। और ये देखो बंदर हमारे पास एकदम आ गया है। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, आलू के पराठे, कॉफी एंड ऑमलेट। अरे वाह, ऐसा लग रहा है ना कि मैं 4 साल तक ना भी खाऊं तो आई विल बी सो फुल। अरे यार, हमने जबकि खाया एक एक है, लेकिन इतना फ्रेश है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज सो फ्रेश। इतना फ्रेश है कि वो पेट ऐसे फुल हो गया। और अब हमारी टैक्सी नीचे वेट कर रही है, तो आपको मिलवाते हैं हमारे प्रिय राहुल भैया से, जो हमें एयरपोर्ट से भी यहाँ पर भी लेकर आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं शिमला एक्सप्लोरिंग। पहले कहाँ ले चलेंगे हमें? मैम देखो, जाकपुर टेम्पल है उसके लिए दो रास्ते मैम, देखो कार भी जाती है और केवल कार भी जाती है। जी हाँ जी, तो आप जैसा डिसाइड करें बस। पहले जाकू ही चलते हैं ना। हाँ, फिर रिटर्न में शिमला होते हुए मॉल रोड वगैरह ज्यादा बेटर रहेगा ना, शाम को थोड़ा क्राउडेड भी रहेगा, मजे आएंगे फिर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, साफ सफाई कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पॉपुलेशन इस एरिया में ज्यादा है, तो बेसिकली यहाँ पे घोड़ा वगैरह चला सकते हैं, गो कार्टिंग वगैरह भी है ना, पॉइंट है, तो यहाँ पे काफी थोड़ा सा पॉपुलेशन आपको दिखेगा। अदरवाइज तो हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम पहले सबसे पहले जा रहे हैं जाकू टेंपल, और किस्मत का खेल देखो कि लास्ट ट्यूसडे को मैं संकट मोचन बनारस में थी, अगर आपने व्लॉग देखा है तो। एंड अभी हम जाकू जा रहे हैं, वो भी बजरंग बली का ही टेम्पल है, वहाँ पे 108 फीट की भगवान जी की मूर्ति है, एंड आपको किसी भी एरिया से वो दिख जाएगी क्योंकि वो ऑब्वियसली इतनी ह्यूज है। ऐसा माना जाता है, ऐसा राहुल भैया ने भी मुझे बताया है, कि ऐसा होता है कि जब भगवान जी संजीवनी वाला बूटी लेने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने एक पैर मोहाली में रखा था और दूसरा पैर इस वाले टेंपल पे, जाकू टेंपल जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, वहाँ पे रखा था। तो उसका एविडेंस ये है। एंड देयर आर लॉट ऑफ मंकीज अराउंड, ऑब्वियसली यू नो द रीजन व्हाई, बिकॉज़ वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति कुछ 108 फीट भैया 108 फीट है ना, बता दिया ऑलरेडी। हाँ, और वहाँ पे इतने ज़्यादा मंकी रहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप हाथ में कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, एल्स सब कुछ स्नैच आउट होके। और वो बार्गेन भी करते हैं आप क्या करते हैं, आप वो कहते हैं अगर आपको अपना फोन और चश्मा चाहिए तो हमें खाना दो, आप खाना डालो आपको वापस कर देते हैं, वापस कर पार्टी सिस्टम में खाना दो अपना सामान लेकर। हाँ, वो ऐसा कर चढ़ जाएंगे पेड़ पे, अगर पेड़ पे चढ़ना आता है तो आप फिर भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले वही निकल रहे, कोशिश करेंगे कुछ रिकॉर्ड हो पाया तो। ट्राईपॉड तो हमने हाथ ही नहीं लगाने आज, क्योंकि हर जगह बंदर बंदर है, आपने तो देख ही लिया है। हाँ, ट्राईपॉड नहीं यूज कर रहे हैं, कोई माइक वैक यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा समझ लेना थोड़ा सा, है ना। जाम पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, जाम लग गया है, पता नहीं आगे कुछ तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसके चक्कर में हुआ है ये, टाइम वेस्ट हो रहा है। चीटिंग करता है तू, अरे हो तुम। अरे मैं दो भाइयों के साथ घूमने आया हूँ। दो भाइयों के साथ? हाँ, ये दिखाओ इधर, दिखाता हूँ, पहला भाई दूसरा भाई। भाई भाई घूमेंगे अपना। गद्दी आ रही है शक्ल। जस्ट एंड बीबर अगर ऐसा होता है फालतू जस्ट चिल्ली वाला मेरा डालो। ये देखो यहाँ पे ना मैगी वाली वो स्टॉल है, तो हम भूखे तो नहीं मरेंगे, दैट्स फॉर श्योर। हां, वो भूखे नहीं मरेंगे एट लीस्ट। नहीं, अभी तक जाम नहीं है, जाम में फंसे हुए हैं, 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने सोचा तो था कि टाइम से निकल जाएंगे और चीजें कवर कर लेंगे, शिमला मॉल रोड, ऊपर से बारिश और हो गई है, और ये देखो ये भी सो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड।
सो रही हो? सॉरी नहीं 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 सो नहीं रही थी। ये कैसे कर सो नहीं दी थी क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, अरे चेक कर रहा था मैं, चेक कर रहा था। ठीक ओके गाइस, तो आपको जो ये सामने टनल दिख रहा है इसको ढली टनल कहते हैं, जिसके अंदर अभी हम ऑलमोस्ट घुसने वाले हैं अगर ट्रैफिक की कृपा रही तो। ऐसे कहते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे इसके उस पार पंजाब हुआ करता था और इस साइड पे हिमाचल, और जैसे कि कैलकटा हमारा कैपिटल रह चुका है ब्रिटिश टाइम में, सिमिलरली शिमला हैज़ ऑल्सो बीन आवर कैपिटल। तो हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश वाली बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, और जितने भी नाम हैं, चर्चेज हैं, एवरीथिंग इज बीइंग इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो काफ़ी कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो कि अननोन हैं और हमें उतने ज़्यादा हिस्ट्री के टाइम पर पढ़ाए नहीं गए हैं। और हम इस टनल को अब ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, बट पंजाब नहीं आए हैं, हिमाचल में ही हैं, क्योंकि अब तो ये हिमाचल ही है। ज़्यादा ऊंची चढ़ाई आती है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लोड भी नैरो हो रही है, और ये जैसे देखो अरे बाप ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ, चढ़ाई बहुत। और ऐसा कहते हैं कि ये शिमला का हाईएस्ट हिल टॉप पॉइंट है। अगर आज ना एक्चुअली हम लोगों ने ट्रैकिंग का प्लान बनाया था, और कल जब हम लोग ऐसे चाय वाय पीने शाम को गए और हम चढ़ाई करके वापस आ रहे थे, उसमें हमारी लंका लग गई, हमने कैंसिल कर दिया, हमारी बॉडी अभी रेडी नहीं, हमने कहा पहले दिन ही लंका लग जाएगी, नस खिंच जाएगी, तो फिर फायदा नहीं है, पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। पहले पहले शिमला घूमने, लास्ट में घर जाने से पहले तोड़वा लो, बस बस। सुन देखो ये ट्रैकिंग का रास्ता निकला हुआ है यहाँ से, ये देखो ये देखो, यहाँ से ट्रैकिंग का रास्ता है पूरा। ओके जी, तो हमने भैया का साथ अभी छोड़ दिया है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे है कि आपको सीढ़ियाँ जो दिख रही होंगी, हम यहाँ से ऊपर चल के जाकू टेम्पल में दर्शन करने वाले हैं बजरंग बली के। आज मंगलवार भी है तो अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा। और भैया को इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि ऊपर से हम लेने वाले हैं केबल कार। अगर हम बाई रोड यहाँ से मॉल रोड जाएंगे इसके बाद, तो हमें कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है क्योंकि हमने ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। जल्दी हो जाएगा 6 बजे तक, टोटल 5 घंटे। हमारी कोशिश है कि हम डे लाइट में सब कुछ बेसिकली निपटा लें, और हम सीढ़ियों पर अब चल रहे हैं फाइनली। एंड मुझे बहुत ही अच्छी फील आ रही है, मुझे बहुत ही ठंड भी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है। चुके हैं मंदिर, चल चल के हालत टाइट हो गई है भाई, लेट्स गो। हाँ ट्रैकिंग करेंगे हम लोग, ट्रैकिंग करेंगे, शक्ल देखी है। और यहाँ से आई थिंक ये वाला ही आपको ये दिख रही है, इतनी बड़ी सी मूर्ति, यहीं जाना है हमें यहाँ से। ये रखवाली कर रहे हैं यहाँ पे, रखवाले एक इधर है और एक इधर है, और मेरा रखवाला ऊपर वाला भी, और ये भी। चलो और हम पहुंच चुके हैं इस विशाल काय मूर्ति की तरफ। वाह वाह, सही बताऊं पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि ये इतने ह्यूज होंगे, एंड देयर इज नो सरप्राइज टू इट, जस्ट ब्यूटीफुल। सही, ये इतने बड़े होंगे तभी तो इनका एक पैर यहाँ होगा और एक पैर मोहाली में। बट ऐसा लग रहा है कि सच में हनुमान जी ऐसे ही होंगे, त्रेता में भी ऐसे ही होंगे। वाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे अच्छी बात सनी ये है कि यहाँ पे कोई अननेसेसरी तरीके का चढ़ावा नहीं है, तो जिससे किसी भी तरीके की गंदगी नहीं फैल रही है, बहुत ही साफ सुथरी जगह पे बना हुआ है। अब जैसे लगता है कि ये जगह चाहो मेडिटेट करना चाहो, तो मतलब कोई आपको सोचना ही नहीं है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो डैम डिवाइन। हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो
हमें लगा कि बंद है, बट ये अगर आपको दिखे तो लिखा है यहाँ पे जाकू रोप वे, एंड आई थिंक इधर साइड में कोई खटपट की आवाज़ आ रही है, श्योर द ऑफिस मस्ट बी यहाँ पे से टिकट ले रहे हैं तो वन डे तक जाने के लिए, तो हमें तो मॉल रोड पे जाना है क्योंकि भैया हमें वहीं मिलेंगे। 265 इज़ अ कॉस्ट फॉर अडल्ट, एंड अगर आप टू वेज लोगे तो इट्स अराउंड 490 फॉर टू वेज फॉर अडल्ट। टिकट को वैलिडेट कर लिया है ऑलरेडी, बस हमें 10 मिनट्स का वेटिंग टाइम है एंड देन वी विल गो। आई एम एक्साइटेड के भी कार आफ्टर 100 इयर्स। कोई सेंस है इस बात का? दिस इज द कार वी आर, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एंड करने के पहले आपको भाईजान एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन से तो मिलवाई दूँ, बिग बॉस होस्ट है हमारे, करोड़पति होस्ट है हमारे, छोटा भाईजान राइट जी। तो हम रोपवे से आ चुके हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है बट इट्स ओके, चलता है। एक बार के ठंड भी लग रही है बट क्या कर सकते हैं, बट वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द मॉल। यार हमने काम बहुत अच्छा किया, हमने शिमला में होटल नहीं लिया, हमने कुफरी में लिया। यहाँ पे बहुत यार ना वो व्यू नहीं मिलता आपको, वो मजा नहीं आता जो सेल्फ प्रेज तो सनी से अच्छा कोई नहीं करता है ना, मेरे को करना पड़ता है। नहीं नहीं यार, आप भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्रेज कर दो। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फर्दर ऑन फ्रॉम मॉल रोड। व्लॉग खत्म हुआ है पर हमारा दिन नहीं। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हम तो निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, नेक्स्ट व्लॉग में जरूर वापस आना, बहुत मजे करेंगे आई प्रॉमिस।